हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार के नालंदा में संदिग्ध परिस्थिति में 10 लोगों की मौत हो गई। परिजन शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ने की बात कह रहे। यह घटना जिले के सोसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी और पहाड़ तल्ली मोहल्ले की है। मरने वालों में भागो मिस्त्री, मन्ना मिस्त्री सहित 10 लोग शामिल हैं। मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। थानाध्यक्ष सुरेश प्रसाद के बाद सदर DSP डॉक्टर शिवली नोमानी ने मौके पर पहुंचकर परिजन से जानकारी ली। अगली बड़ी खबर, कोरोना के आंकड़ों से प्रशासन लोगों को राहत देने में जुटा है, लेकिन बिहार में कम्युनिटी स्प्रेड में आंकड़ों पर नहीं जाए। संक्रमण की रफ्तार कोरोना की दूसरी लहर से कहीं ज़्यादा आगे है। इसके बाद भी प्रशासन का दावा है कि तीसरी लहर में राहत है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की बात करें तो पटना में दूसरी लहर में एक दिन में सबसे अधिक एक्टिव मामले 32,500 रहा, जबकि तीसरी लहर में अब तक 14,000 के पार नहीं पहुंचा है। ऐसे आंकड़े सिर्फ कागजी राहत दे सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड में संक्रमण की रफ्तार का अंदाज़ा बिहार सरकार नहीं लगा सकती है। बड़ी खबर, बिहार में कोरोना के 6,325 नए मामले सामने आए। अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 35,916 हो गई। साथ ही 4 संक्रमितों की मौत भी बिहार में हुई। वहीं IGIMS में 4 डॉक्टर, 4 नर्सिंग स्टाफ व 1 अन्य की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इधर बिहार में अगले महीने से शुरू हो रही मैट्रिक इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी किशोरों का टीकाकरण 26 जनवरी से पहले पूरा कराने का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग ने रखा है। अगली बड़ी खबर, राजद बिहार में भूमाई समीकरण की ओर। आपको बता दें कि माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण वाला राष्ट्रीय जनता दल अब भूमाई यानी भूमियार मुस्लिम यादव समीकरण की ओर बढ़ चला है। विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे की कुल 24 सीटों में से राजद ने 16 से 18 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय कर लिया है। इसमें कम सीट पर किसी भी हालत में नहीं लड़ने की पार्टी हाईकमान ने रणनीति भी बना ली है। उम्मीदवारों को लेकर अपने कोटे की आधी से अधिक सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए और राजद अब भूमियारों की ओर बढ़ चुका है। बड़ी खबर, बिहार सरकार के नए आदेश से बिहार के 4.5 लाख सरकारी कर्मी सख्ते में है। मामला प्रतियोगिता परीक्षा देने के अवसरों की तय हुई सीमा से जुड़ा है। 13 जनवरी को सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी केवल 3 बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल हो पाएंगे। सरकार के इस आदेश को कर्मचारी संघ ने तुगलकी फरमान बताया। संघों को ये समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे का मामला क्या है। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार नए आदेश के बाद अब बिहार के सरकारी कर्मचारी 3 बार से ज़्यादा प्रतियोगिता परीक्षाएँ नहीं दे पाएंगे। अगली बड़ी खबर, BPSC ने नए साल में एक नई बहाली निकाली है। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक लोक स्वच्छता एवं अपविष्ट प्रबंधन प्राधिकारी के कुल 286 पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 17 जनवरी 2022 और अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022 है। आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट या निर्धारित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी और सभी प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2022 शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। BPSC ने कला एवं संस्कृति प्राधिकारी की परीक्षा की तिथि से घोषणा कर दी है। परीक्षा 29 जनवरी 2022 को 12 बजे मध्यान्ह से 2 बजे तक होगी। यह सामान्य अध्ययन विषय की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा होगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा में 1 सप्ताह पहले आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। किसी उम्मीदवार को डाक या ईमेल के जरिए एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। बिहार में होम आइसोलेशन में 99% संक्रमित, सरकार बोली 99% लोग ले चुके हैं वैक्सीन की पहली डोज, इसलिए स्थिति गंभीर नहीं। बिहार में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, इसके बाद भी 99% संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। होम आइसोलेशन के संक्रमितों में अधिकतर ऐसे हैं जो वैक्सीन ले चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि महज 1% संक्रमित को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ रही है, 99% होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे। हालांकि पटना में बदलते वायरस के ट्रेंड को लेकर बिहार के अन्य जिलों में भी सरकार की एक्सरसाइज शुरू हो गई है। खबर, पुलिस ने बिहार में चलाया मास्क चेकिंग अभियान। शिवहर में अकेले पकड़े गए 1129 लोग। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हो रही RT-PCR जाँच में और तरह तरह के मास्क चेकिंग अभियान में 56,450 रुपये जुर्माना वसूला गया है। इस दौरान बिना मास्क के 1129 लोगों को पकड़ा गया है। सिर्फ
रोहतास में। एक और बिहार में सत्ताधारी पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुली है। सम्राट अशोक का विवाद अब सियासी जंग बन गया है। आपको बता दें कि कोई भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। सम्राट अशोक से निकली बात सराब तक पहुंच चुकी है। साहित्यकार दया प्रकाश सिन्हा के बयान की वजह से यह पूरा विवाद है, जिन्होंने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी थी। एक और बिहार में शराबबंदी पर अब पटना हाईकोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट से लगानी पड़ी गुहार। पटना हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय को जो जानकारी दी है, इसके अनुसार 39,622 जमानत के लिए आवेदन पड़े हैं। इनमें से 21,671 अग्रिम और 17,951 नियमित जमानत याचिकाएं लंबित है। इसके अलावा 20,498 अग्रिम और 15,918 नियमित जमानत याचिकाओं सहित 36,416 ताजा जमानत आवेदनों पर विचार किया जाना बाकी रह गया है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा इस बात की भी जानकारी दी गई है कि जजों के स्वीकृत पदों से आदेश से भी कम के साथ फिलहाल काम करना पड़ रहा है, इसलिए याचिकाओं के निपटारे में भी विलंब हो सकता है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर में मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा की तिथि तय कर दी गई। परीक्षा का आयोजन जिले में 20 से 22 जनवरी तक किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों को सामग्री के उठाव के लिए अलग से निर्देश जारी किए गए। परीक्षा सामग्री का उठाव केंद्रों द्वारा निर्धारित समय में ही दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक प्रायोगिक परीक्षा के लिए सभी उच्च उच्चतर उत्क्रमित व उच्च माध्यमिक विद्यालय को DN हाई स्कूल से परीक्षा सामग्री का वितरण किया जाएगा। जिले में मुजफ्फरपुर जिले में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और खेतों में जल जमाव के कारण इस साल रबी फसलें तय लक्ष्य से कम रकबा में लग पाई है। 5 जनवरी बुआई का अंतिम समय बीतने के बाद भी खेतों में पानी जमा है। ऐसे में पछेली खेती के कारण मुजफ्फरपुर के किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा। आपको बता दें कि कम रकबा और पछेती खेती के कारण पैदावार कम होना भी तय है। पटना स्मार्ट सिटी के तहत गांधी मैदान के करीब 1.5 से 2 किलोमीटर के क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनी, लेकिन इसे मूर्त रूप देने का काम नहीं हो रहा। गांधी मैदान में मेगा स्क्रीन पर लोगों को फिल्में दिखाने का काम भी 2 दिन ट्रायल और 8 दिन तक शो के बाद 20 दिसंबर से बंद हो गया। गांधी मैदान के आसपास हैप्पी स्ट्रीट बनाने और चारों तरफ प्रमुख 10 भवनों में लाइट लगाने का काम भी अभी तक अधूरा पड़ गया। पटना को बनाया जाएगा सुंदर। राजधानी को स्वच्छ बनाने के साथ साथ इसकी आउटलुक को आकर्षक बनाने की योजना बनी है। मुख्य सड़कों के किनारे बने सरकारी आवास और भवनों की मरम्मत होगी और रंग रोगन करके चमकाया जाएगा। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, भवनों की मजबूती बढ़ जाएगी। दूसरा, सड़कों से गुजरने वालों को चमचमाते भवनों को देखकर सुखद एहसास होगा। उत्तराखंड और पंजाब में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ऐसा भाकपा माले ने कहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी से भाकपा माले की बातचीत चल रही और उम्मीद है कि यूपी को योगी राज्य की आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए एक व्यापक गठबंधन बनेगा। ये बातें पटना में माले महासचिव दिवांकर भट्टाचार्य ने कही है। इस अवसर पर उनके साथ पार्टी के राज्य सचिव कुणाल, पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा व अमर तथा फुलवारी विधायक गोपाल रविदास भी शामिल थे। बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।